जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में 12वें दिन की सुनवाई में केंद्र को कड़े सवालों से गुजरना पड़ा। संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि जम्मू कश्मीर कब तक यूटी बना रहेगा, इसे राज्य का दर्जा वापस कब मिलेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है, इसकी क्या गारंटी है कि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सीमावर्ती राज्यों में इस तरह दखल नहीं दिया जा सकता, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जरूरी है। स्टेटहुड को लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा टेम्परेरी है जी, और वो यूनियन टेरिटरी भी स्टेट की तरह है, तो वो अजीब सा आर्गुमेंट मुझे लगा, जो कि बेंच को भी मुझे नहीं लगा कि कोई अपीलिंग लगा हो या बेंच ने उनको कुछ सीरियसली लिया हो इस आर्गुमेंट को कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एज गुड एज स्टेट इज। अरे भाई, एज गुड एज स्टेट है तो फिर आपने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया ही क्यों? और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई यू कैन नॉट टेस्ट, आप ये थोड़ा देख सकते हैं कि भाई आप किसी की आइडेंटिटी को ही मिटा दो, उसकी उसकी इज्जत वकार को ही ख़त्म करके आप कहो नहीं 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 फिर भी आपको हम और मुराद दे रहे हैं। सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ आइडेंटिटी कैन नेवर बी कंपनसेटेड बाई योर ऑल लग्जरीज यू मे गिव टू अस। बाद में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन सवालों का जवाब लेकर आए। केंद्र ने कहा कि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा केंद्र शासित नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर 31 अगस्त को सकारात्मक बयान देंगे। लद्दाख में स्थानीय चुनाव भी हो रहे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार को अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बतानी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।